जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रोग प्रश्न कुंडली की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी जातक के जीवित रहने के योगों के बारे में कि भयंकर रोग होने के बाद भी कई बार जातक जीवित रहता है, वह हम प्रश्न कुंडली से जान सकते हैं। आज हम बात करेंगे रोग प्रश्न कुंडली में विशिष्ट रोगों को कैसे देखा जाता है कि एक ही नजर में हम देखकर बता सकते हैं कि इसको यहां पर रोग है और वो रोग वहीं पर होता है और विशिष्ट रूप में होता है। रोग प्रश्न कुंडली में यदि मंगल लग्नेश होकर पांचवें भाव में बैठ जाए और उसके ऊपर पाप ग्रह की या क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो जातक के सिर में जख्म होते हैं, ये हम रोग प्रश्न कुंडली से जान सकते हैं। यदि मंगल लगन में बैठ जाए और सप्तम भाव में गुरु और शुक्र बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक को अल्सर का रोग होता है। जब हम प्रश्न कुंडली में ऐसा योग देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जातक को अल्सर का रोग है और वह अल्सर सिर में होगा, अल्सर रोग सिर में होगा। इसके बाद हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह यदि छठे भाव के स्वामी के साथ लगन में या अष्टम भाव में बैठ जाए और पाप प्रभाव में हो तो ऐसी स्थिति में जातक को आंखों में अल्सर का रोग होता है। तो यह हम जान सकते हैं प्रश्न कुंडली से कि जातक को आंखों में अल्सर का रोग है तो उसे उसका इलाज करवाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं यदि मंगल के साथ छठे भाव का स्वामी बैठ जाए लगन में या अष्टम भाव में तो जातक के गले में जख्म होते हैं, जातक के गले में जख्म होते हैं, छोटे छोटे छाले होते हैं जो उसको परेशान करते हैं। अगली बात करते हैं यदि बुध ग्रह के साथ छठे भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए या अष्टम भाव में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक के दिल के वाल्व की जो नली होती है उस नली में अल्सर का रोग होता है। बुध के बाद हम बात करते हैं गुरु ग्रह की। यदि गुरु ग्रह के साथ छठे भाव का स्वामी लगन में या अष्टम भाव में बैठ जाए तो जातक को नाभि का अल्सर होता है। तो ये हम जान सकते हैं प्रश्न कुंडली से कि ऐसी स्थिति होगी। जातक हमारे पास तभी आता है जब उसको यह रोग होता है, उसका प्रश्न भी तभी उठता है। यदि रोग प्रश्न कुंडली में मंगल वृश्चिक राशि में हो और पीड़ित हो, बुध और शुक्र की उसके ऊपर दृष्टि ना हो, बुध और शुक्र की दृष्टि ना हो, बुध और शुक्र दोनों माफ करना बुध और शुक्र नहीं गुरु और शुक्र की दृष्टि उसके ऊपर ना हो, गुरु और शुक्र दोनों सौम्य ग्रह है, यदि यह दृष्टि नहीं होगी उसके ऊपर वृश्चिक राशि पर और मंगल वृश्चिक राशि का होगा तो जातक को बवासीर का रोग होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्क राशि में यदि मंगल बैठ जाए, यदि कर्क राशि में मंगल बैठ जाए और उसके ऊपर सूर्य और राहु दोनों की दृष्टि हो, पहली कंडीशन कर्क राशि में मंगल बैठे, यहां पर मंगल नीच का हो गया और उसके ऊपर सूर्य और राहु की दृष्टि हो तो जातक को गुप्त रोगों से परेशानी होती है, उसके गुप्त रोग भयंकर रूप में होते हैं। उसके बाद अगली बात करते हैं यदि मीन राशि में शनि बैठ जाए और उसके ऊपर सूर्य की दृष्टि हो तो ऐसी स्थिति में जातक के अंडकोशों में वृद्धि होती है, ऐसा रोग उसे पाया जाता है, जातक के अंडकोशों में वृद्धि होती है। उसके बाद हम देखते हैं यदि शनि और छठे भाव का स्वामी लगन में या अष्टम भाव में बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में जातक के पैरों में अल्सर का रोग होता है। तो आज हमने विशिष्ट रोगों में ज्यादातर अल्सर की बात की। अल्सर रोग होता क्या है? ये छोटे छोटे हमारे जो छाले होते हैं वो धीरे धीरे भयंकर रूप ले लेते हैं, यदि हम समय पर उसका इलाज ना करें तो वो अल्सर का रूप ले लेते हैं और जातक को उसमें काफी पीड़ा होती है। तो हमें यह समझना चाहिए यदि रोग प्रश्न कुंडली में ऐसा कोई रोग हमें नजर आ रहा है तो जातक को उसका इलाज तुरंत करवा लेना चाहिए जिससे कि वो भयंकर परेशानी से बच सके। तो आज हमने विशिष्ट रोगों के बारे में बात की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे रोग प्रश्न कुंडली के बारे में, संपूर्ण विश्लेषण के क्या नियम है कि हम उसको कैसे देखेंगे, उसको समझेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।